हेलो गाइस, मेरा नाम है विकी यादव और आप लोगों का हमारे एक और न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रियलमी के लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन की, जो कि है गाइस रियलमी 12 प्रो 5G। जो कि गाइस ये रहा मेरे पास में, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, इस फ़ोन को मैंने जो है फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है एंड ये फ़ोन गाइस मुझे जो है 25,500 रुपये का तकरीबन पड़ गया है। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम इसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे एंड आपको इस फ़ोन की कंप्लीट जानकारी देंगे। तो आप लोग इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आप लोगों को आज की अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी गाइस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अब अपने फ़ोन को जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लिपकार्ट के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन हो गया। और ये गाइस हमारे Realme 12 Pro का बॉक्स। जो बॉक्स है दोस्तों, वो आपको वही पुराने येलो कलर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बॉक्स के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है 12 Pro, नीचे लिखा हुआ है Realme एंड यहाँ पे गाइस बॉक्स के पीछे जो है हमारे फोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस फोन में हमको टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा मिल जाता है और सोनी का IMX882OIS कैमरा मिल जाता है और स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 5G चिपसेट मिल जाती है हमको इस फोन में एंड 120Hz कर्व विजन डिस्प्ले मिल जाती है हमको इसमें। और ये जो फोन है गाइज, ये मैंने 8GB और 256GB वाला वेरिएंट मंगवाया है। और कलर की बात करें तो इसको मैंने जो है सबमरीन ब्लू कलर में मंगवाया है। ऑलराइट, तो ये तो हो गई बॉक्स की बातें, नाउ चलिए अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे पहले गाइज हमेशा की तरह बॉक्स का वस्त्र हरण करना पड़ेगा, तो चलिए जल्दी से बॉक्स का चीर हरण करते हैं। एंड यहाँ पे एक सील दी हुई है तो इसको मैं नाइफ से कट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये हो गया। नाउ इट्स टाइम टू ओपन द बॉक्स, तो खुल जा सिम। एंड बॉक्स ओपन करने पे दोस्तों हमको अंदर जो है एक और छोटा सा बॉक्स देखने को मिल जाता है येलो कलर का, पीछे लिखा हुआ है हे वेलकम टू रियलमी फैमिली। एंड इस बॉक्स में गाइस हमको जो है कुछ ज्ञान पुस्तिकाएं मिल जाती हैं और साथ में एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और एक क्लियर केस भी मिल जाता है और केस की जो क्वालिटी है वो डिसेंट है। एंड अब गाइस बॉक्स में रखा हुआ है हमारा फोन, चलिए इसको बाहर निकालते हैं। आजा भाई बाहर। तो ये है हमारा फोन। फोन के बारे में गाइस आगे बात करेंगे, पहले अभी देख लेते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या माल मसाला मिल जाता है हमको। तो यहाँ पे गाइस बॉक्स में हमको जो है एक 67W का सुपर बुक चार्जर मिल जाता है एंड साथ में जो है एक USB A2 Type-C चार्जिंग केबल मिल जाती है। दैट्स इट, बस यही सारी चीजें दोस्तों आपको जो है फोन के साथ बॉक्स में मिल जाती है। फिलहाल अभी इन सब चीजों को जो है वापस बॉक्स में डालकर साइड में रखते हैं और सीधा बात करते हैं अपने फोन की। तो ये है हमारा फोन। तो पहले गाइस फोन को इस पाउच में से बाहर निकाल लेते हैं और फोन के दर्शन करते हैं। भाई ओह माय गॉड, भाई बहुत सही चीज बनाई है इस बार रियलमी ने। मैं ये स्टिकर भी रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों, बैक डिजाइन यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग दिया गया है इस फोन का। यहाँ पे फोन के पीछे आपको सेम रियलमी 11 सीरीज की तरह ही एक बड़ा सा गोल सा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि ये जो कैमरा मॉड्यूल दिया गया है आपको इस फोन में, ये आपको एक प्रीमियम हैंड वॉच की तरह देखने में लगेगा। बाकी लेदर फिनिशिंग मिल जाती है आपको फोन के पीछे में। मुझे दोस्तों लेदर फिनिशिंग वाले स्मार्टफोन ज्यादा पसंद है ग्लोसी बैक वाले फोन के कम्पेरिजन में। और लेदर फिनिशिंग है दोस्तों तो फोन की जो ग्रिपिंग है वो अच्छी है, फोन आप अच्छे से होल्ड कर पाएंगे हाथ में। तो इन हैंड फील दोस्तों फोन का अच्छा है एंड वीगन लेदर है तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी जो है बैक में नहीं लगेंगे। और ये जो बीच में गोल्डन लाइन है दोस्तों, ये फोन को और भी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। एक चीज दोस्तों मैंने फील की है कि फोन जो है काफी लाइट वेट है और फोन की जो पूरी बॉडी दोस्तों प्लास्टिक की है, पॉलीकार्बोनेट है। ओवरऑल डिजाइन मैं कहूंगा दोस्तों कि फोन का अच्छा है। नाउ चलिए गाइस अब अपने फोन को फर्स्ट टाइम बूट करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा फोन स्टार्ट हो रहा है एंड जब तक फोन ऑन हो रहा है तब तक पोर्ट्स एंड बटन्स देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे फोन के लेफ्ट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है और यहीं पे आपको वॉल्यूम अप और डाउन बटन भी मिल जाते हैं। फोन के ऊपर की तरफ आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं और सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाता है। बाकी राइट साइड में कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। और नीचे की तरफ अगर बात करें तो नीचे आपको गाइस यहाँ पे जो है स्पीकर्स मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है और सिम ट्रे मिल जाती है। और ये जो सिम ट्रे है दोस्तों, इसमें आप 2 नैनो सिम कार्ड लगा सकते हैं, आप इसमें SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं। बाकी अभी फोन अपना ऑन हो चुका है तो यहाँ पे गाइस पहले फोन का जो है फर्स्ट टाइम सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं जल्दी से जो है फोन का सेटअप कर लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं।
तो अभी गाइस फोन का जो है कंप्लीट सेटअप हो चुका है और अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। और अब गाइस इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो आपको इस फोन में कर्व डिस्प्ले मिलती है 6.7 इंचेस की और ये एक ओलेड डिस्प्ले है गाइस। एंड बेजल्स भाई साहब आपको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेंगे डिस्प्ले में। चिन भी बहुत पतला मिलता है और डिस्प्ले में गाइस आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिलता है विच वर्क्स रियली गुड। एकदम मक्खन की तरह डिस्प्ले वर्क करती है जब हम डिस्प्ले को यूज करते हैं तो। और मैंने जब इस फोन में वीडियोस वगैरह देखी गाइस तो ऑफ कोर्स ओलेड डिस्प्ले है तो कलर्स वगैरह डेफिनेटली बहुत अच्छे आते हैं, शार्पनेस भी काफी अच्छी देखने को मिलती है और कर्व डिस्प्ले है, बड़ी डिस्प्ले है तो आपको मल्टीमीडिया वगैरह में बहुत मजा आएगा, स्पेशली मूवीज देखने में आप बहुत इंजॉय करेंगे। और इस मजे को डबल करने के लिए आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं इस फोन में, तो नहले पे दहला वाली बात हो गई। और 950 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है आपको डिस्प्ले में। आउटडोर विजिबिलिटी डिस्प्ले की अच्छी है, आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में आपको फोन यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी वीडियो में हो सकता है कि आपको जो है ब्राइटनेस उतनी पता ना लगे डिस्प्ले की, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप इस फोन को यूज करोगे तो वहां पे आपको जो इसकी विजिबिलिटी का अच्छे से पता लगेगा। और ये फोन गाइस आता है स्नैपड्रैगन 6th Gen 1 प्रोसेसर के साथ जो कि एक 5G चिपसेट है और 4nm पे बेस्ड है और प्रोसेसर डिसेंट है गाइस। मैंने जब एप्स को ओपन किया इस फोन में तो एप्स काफी फास्ट ओपन हुए, ऐप ओपनिंग टाइम डिसेंट था, इवन रैम मैनेजमेंट भी बढ़िया था, मल्टीटास्किंग भी जो है आप कर पाएंगे इस फोन से। और गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो BGMI आप इस फोन में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर खेल पाएंगे और मैंने जब इस फोन में BGMI खेली तो अच्छी चल रही थी, स्मूथ चल रही थी गाइस, फ्रेम ड्रॉप्स जो है उतने नहीं देखने को मिले। और मैंने जो इसमें काफी टाइम तक गेम खेला तो गेम जो है बिल्कुल भी लैग नहीं हो रही थी एंड फोन भी जो है उतना हीट नहीं हो रहा था। और ये जो फोन है दोस्तों ये आता है Realme UI 5.0 और Android 14 पर। बाकी अगर आप 8GB 256GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको 256GB में से 24GB यूज्ड मिलती है और 8GB रैम में आप 4GB वर्चुअल रैम भी ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इस फोन में 5000mAh की बैटरी मिल जाती है एंड 67W का फास्ट चार्जर मिलता है। एंड नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। तो इस फोन के रियर में आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। जो मेन सेंसर है गाइस वो 50MP का है और ये सोनी का IMX882 सेंसर है और 8MP का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है एंड 32MP का आपको एक टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और इस फोन के फ्रंट में गाइस आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। सबसे पहले वीडियोग्राफी की बात करें तो रेयर कैमरा से आप मैक्सिमम 4K 30fps तक वीडियो को निकाल पाएंगे और इसी में आपको जो है 1080p 60fps भी मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा से आप ओनली 1080p 30fps पर वीडियो को शूट कर पाएंगे। और फोटोग्राफी की बात करें तो ये कुछ कैमरा सैंपल्स है जो हमने इसी फोन से निकाले हैं गाइस। सेल्फीज की अगर बात करें तो स्किन टोन अच्छा आता है सेल्फी में, कलर्स वाइब्रेंट आते हैं जैसा कि आपको हर Realme के फोन्स में देखने को मिलते हैं, डिटेल्स भी वेल इनफ मिल जाती है सेल्फी में और पोर्ट्रेट शॉट्स भी फ्रंट कैमरा बढ़िया निकालता है, एयर डिटेक्शन वगैरह डिसेंट रहता है। और ये फोटोज हमने रियर कैमरा से निकाले हैं। दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन में मैं कहूंगा कि रियर कैमरा भी बढ़िया फोटोज निकालता है, इन सैंपल्स को आप लोग देख ही सकते हो। वेल एक्सपोज्ड फोटोज यहां पे क्लिक किए हैं इस फोन के रियर कैमरा ने, डिटेल्स भी आपको तगड़ी मिल जाती है फोटोज में, कलर्स थोड़े से पंची साइड में रहते हैं और जो टेलीफोटो लेंस है गाइस वो भी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करता है। इस वाली फोटो में आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा ब्लर देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस ये तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है फोटोज को लेकर, आगे हम इस फोन का फुल डिटेल में कैमरा टेस्ट करेंगे तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। एंड अगर आप लोगों को इस फोन के कैमरास के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देख लेना। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन में मैं यही कहूंगा कि इस फोन के कैमरास जो है बढ़िया वर्क करते हैं। ओके तो यही थी दोस्तों सारी कहानी इसी Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन की। ऑलराइट गाइस तो यही थी आज की वीडियो और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।